आतंकवाद को फैलाने वाला पाकिस्तान अब इस्लामिक सहयोग संगठन के सामने कश्मीर का रोना रो रहा है। पाकिस्तान ने इस्लामिक सहयोग संगठन से आग्रह किया है, विनती की है कि उन्हें कश्मीर विवाद के स्थायी समाधान के प्रयासों में तेजी लानी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान को कश्मीर मसले पर सऊदी अरब और ईरान ने जबरदस्त पटकनी दी है। सऊदी और ईरान की ओर से फटकारे जाने के बाद भी अब सवाल ये उठ रहा है कि इंटरनेशनल बेइज्जती करवाने वाले पाकिस्तान को क्या बार बार भारत के हाथों पिटने में मजा आता है, और क्या ईरान और सऊदी का कश्मीर पर भारत का साथ ये दिखाता है कि पाकिस्तान अब अलग थलग पड़ चुका है। इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, मैं हूँ आयुष और आप देख रहे हैं भारत तक। दरअसल पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने न्यूयॉर्क में OIC कॉन्ट्रैक्ट ग्रुप की मीटिंग को संबोधित करते हुए कहा कि कश्मीरियों की उम्मीदें अब OIC और मुस्लिम एकता पर ही टिकी हुई हैं। उन्होंने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र के सभी महत्वपूर्ण मंचों मसलन UN महासभा और ह्यूमन राइट काउंसिल पर इस मुद्दे को उठाया जाना चाहिए। बता दें, संयुक्त राष्ट्र महासभा की इसी हफ्ते हुई बैठक में तुर्की के सिवा किसी भी मुस्लिम देश ने कश्मीर का मुद्दा तक नहीं उठाया, और अब पाकिस्तान इस्लामिक सहयोग संगठन में इसकी शिकायत करता नजर आ रहा है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र में ईरान, सऊदी अरब और UAE जैसे देशों की तरफ से कश्मीर का कोई जिक्र तक नहीं किया गया, लेकिन पाकिस्तान है कि मानता ही नहीं। वो बार बार चाहता है कि भारत उसे सुनाए, उसकी बेइज्जती करता रहे। दरअसल जब चारों तरफ से कश्मीर पर पाकिस्तान को मार पड़ने लगी तो वो उतर आया नए प्रोपेगंडा के साथ। इस प्रोपेगंडा के कॉमेडी हीरो हैं पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी, जो पाकिस्तान पर बयान दे रहे हैं। कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तानी सरकार ने हाल ही में एक व्यापक और रिसर्च किया हुआ है, डोजियर जारी किया हुआ है। इस डोजियर में भारतीय सेना द्वारा कश्मीर में मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन के बारे में बात की गई है। कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान को उम्मीद थी कि इसी साल के अंत में संघर्ष विराम समझौते के बाद भारत कश्मीर विवाद के समाधान के लिए बातचीत को फिर से शुरू करने के लिए सकारात्मक कदम उठाएगा, हालांकि इसके बजाय भारत और भी ज्यादा आक्रामक हो गया। खैर, कुरैशी ने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों पर चुप्पी साधे रखी, क्योंकि खुद कुरैशी को पता है कि तालिबान से लेकर दुनिया के तमाम आतंकियों की ट्रेनिंग खुद पाकिस्तान कराता है, और ये बात खुद पाकिस्तान के मंत्रियों ने कई बार कबूली है। वैसे आप लोगों को कुरैशी का ये बयान सुनकर हंसी तो आई होगी, लेकिन क्या करें, जिस देश का शिक्षा का मतलब बंदूक चलाना हो, वहाँ का विदेश मंत्री और कह भी क्या सकता है।